इस वक्त हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव लक्ष्या गर्ग जी, और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है और इनकी इसके लिए विशेष रूप से घोषणा भी कर दी गई है। अब चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लक्ष्य जी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, जैसा कि आपने कहा कि हरियाणा के अंदर है विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तो उन्हीं के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने रिसेंटली पंचकुला के अंदर इकट्ठे हो गए। वहाँ हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और सुनीता केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी, और संदीप पाठक जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, और सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, व अनुराग ढांडा जी अपने प्रदेश उपाध्यक्ष, सभी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स, पूरी टीम इकट्ठा हुई थी। और वहाँ पे सुनीता केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने 5 गारंटी हरियाणा के लिए लॉन्च करी थी। तो उनमें से पहली बात तो गारंटी पे मैं बात करना चाहूँगा कि गारंटी जो शब्द है वो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था, क्योंकि गारंटी हमेशा जो हमें सुनने में आया है, जो हमेशा यूज करते हैं हम, उसके लिए करते हैं जो कि पक्की होती है। लेकिन मोदी जी ने वो गारंटी से चुराई और उस गारंटी शब्द को भी इन्होंने बदनाम कर दिया। नहीं तो केजरीवाल जी ने गारंटी शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जैसे कि उन्होंने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, और उसी तर्ज पर हरियाणा के अंदर 5 गारंटी लॉन्च करी थी। लेकिन मोदी जी ने वो गारंटी शब्द चुरा के और वादे तो बड़े बड़े किए, लेकिन हमेशा की तरह उस गारंटी शब्द को बदनाम किया क्योंकि उनकी गारंटी अब पूरी नहीं हुई। तो ये जो असली शब्द है वो केजरीवाल जी की गारंटियों से निकल कर आया है। तो उसी तर्ज पर 5 गारंटियां हरियाणा के अंदर लॉन्च करी है, जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब के अंदर अपनी गारंटियां पूरी करी है, तो हरियाणा की जनता के लिए खुशी की बात है क्योंकि हरियाणा की जनता को अब एक ऐसा लीडर मिलने जा रहा है जो अपनी गारंटियां पूरी करता है। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी को, हरियाणा की जनता को, हरियाणा के किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों भाइयों को, सबको ये सोचना होगा कि 5 साल में हमें मौका मिलता है तो हम किसको चुने, क्योंकि जो आदमी जिसने अपनी गारंटियां पूरी करके दिखाई है, जब हम विधानसभा चुनावों में झाड़ू का बटन दबा देंगे तो उसके बाद का जो हरियाणा होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जो हमेशा लगातार हम चुनते हैं नेतृत्व को, लेकिन आज तक जो जरूरी चीजें थी वो पूरी नहीं हुई है। तो उसमें जो पहली गारंटी आम आदमी पार्टी ने लॉन्च करी हरियाणा के अंदर, वो मुफ्त 24 घंटे बिजली है। तो जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में 300, दिल्ली के अंदर 200 और पंजाब में 300 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली मिलती है, 2 महीने की 600 या 2 महीने का बिल आता है, तो 600 यूनिट बिजली फ्री 2 महीने की होगी, 300 यूनिट पर मंथ बिजली फ्री होगी है। अगर हरियाणा के अंदर हम देखें बिजली का हाल, तो यहाँ बिलों के नाम पे क्लियर लूट है, लगातार लूटा जा रहा है। और जब 300 यूनिट बिजली फ्री होगी तो हर गरीब के घर में बिना पैसे के, बिना फ्री के बिल आएंगे और उसका जीवन है वो आसान होगा। और दूसरी जो गारंटी है जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लिए दी है, वो है महिलाओं के लिए 1,000 रुपया पर महिला हर परिवार के अंदर, जितनी भी महिलाएं हैं 18 वर्ष के ऊपर है, जो कि इन्होंने दिल्ली में शुरू कर दिया है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ आम आदमी पार्टी का ध्यान है। दिल्ली में भी महिलाओं के लिए बस किराया फ्री और 1,000 रुपये पर महिला को दिया जाता है। जब महिला को 1,000 रुपया पर महीना मिलता है तो वो अपनी जरूरत की चीजें हैं वो पूरी कर सकती है, महिलाओं का सम्मान परिवार में बढ़ता है और महिलाएं सशक्त होती है, पढ़ने वाली महिलाएं, उनकी छोटी मोटी जरूरतें वो पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्तिकरण मिलता है समाज के अंदर, वो मजबूती के साथ आगे बढ़ सकती है। और सबसे तीसरी जो गारंटी दी है वो फ्री इलाज की दी है, जिस तर्ज पर दिल्ली और पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाकर और अस्पतालों के अंदर अच्छी सुविधाएं करके आम आदमी पार्टी ने लोगों का जीवन आसान किया है, उसी तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, गांवों के अंदर क्लिनिक खोले जाएंगे, और जो अस्पताल है उनमें जो सुविधाएं हैं जो हरियाणा को नहीं मिल पा रही है, चाहे मैं आज भट्ठू में हम बैठे हैं, भट्ठू के अस्पताल की बात करूँ तो यहाँ पे बुरा हाल है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे एक्सरे मशीन भी नहीं है जो एक छोटी सी सुविधा है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं है और आंखों के डॉक्टर भी नहीं है, इस तरीके की दवाइयाँ भी समय पे नहीं मिलती है। तो इस तरीके की बहुत सी मूलभूत दिक्कतें हैं जो है, इस वजह से हर जो भी आदमी मरीज जो है एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उनको रेफर कर दिया जाता है फतेहाबाद से अग्रोवा, और इस बीच मौत भी हो जाती है लोगों की और भयंकर पैसा लोगों को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में खर्चना पड़ता है। प्राइवेट अस्पतालों का माफिया खड़ा हो चुका है पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर। तो उससे निजात दिलवाएंगे। और जो हमारी अगली गारंटी जो आम आदमी पार्टी ने दी है वो बेहतरीन शिक्षा की गारंटी दी है। और मेरा हरियाणा वासियों से निवेदन है कि इस बात को गौर करें कि जिस तरीके से आपका वर्तमान तो ये महंगाई बढ़ाकर और हर तरीके से आपको मजबूर बनाकर खराब कर ही रहे हैं, लेकिन आपका भविष्य भी ये लोग खराब कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ गांवों के अंदर मैंने दौरा किया था तो वहाँ के स्कूल के बच्चों
से हम मिले, उनका इंटरव्यू भी लिया, तो सरकारी स्कूल के बच्चों, आठवीं के बच्चों को भी कुछ नहीं आता है, उनका आगे का भविष्य वो अंधकार में है। तो जब आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका भी भविष्य अंधकार में, जिन बच्चों को आपने पाला पोसा पैदा किया और सोचते हैं कि आगे आपका भविष्य निर्माण करेंगे, जब तक उनकी पढ़ाई सही नहीं होगी उनका भविष्य निर्माण नहीं होगा। तो इस भविष्य निर्माण के लिए आपको आम आदमी पार्टी के झाड़ू के निशान पर बटन दबा के आगे चलना होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर आज शिक्षा व्यवस्था है वो इंटरनेशनल लेवल की हो चुकी है, सरकारी स्कूल है वो इंटरनेशनल लेवल की हो चुके हैं। तो इन चीजों को आपने समझना होगा, क्योंकि दूसरी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें तो करेगी लेकिन जो मूलभूत जो हमारी जरूरतें हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ है, और दिल्ली पंजाब हरियाणा के बीच नज़दीक में है, आपको पता भी है सारी चीज़ों का। तो अभी आपके पास मौका है, आपने देखना है। और जो पांचवी गारंटी आम आदमी पार्टी ने लॉन्च करी है वो हरियाणा के युवाओं को रोजगार की गारंटी है, क्योंकि आज हरियाणा का युवा बदहाल है, हरासमेंट हो रही है नौकरियों के नाम पे, उनकी निरंतर परेशान किया जा रहा है, उनको तीसरे दिन पेपर लीक हो जाते हैं, तीसरे दिन नौकरियों के नाम पे उनसे बड़े बड़े फॉर्म भराए जाते हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल पाती है। तो ये भी अपने आप में पंजाब और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसका भी सलूशन करके दिखाया है। आज पंजाब हमारे नज़दीक में ही है, और पिछले ढाई साल के अंदर भगवंत मान जी अभी जो उन्होंने जब गारंटी लॉन्च करी तो ये बात जानकारी दी कि 50,000 नई नौकरियां आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार लोगों को दे चुकी है, युवाओं को दे चुकी है। और ये आप लोगों के लिए भी एक अचंभे की बात है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, आपने कोई शोर शराबा पंजाब से ये सुनने में नहीं आया कि कोई पेपर लीक हो गया या कोई भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, लोग कोर्ट में गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 50,000 नौकरियां ढाई साल में दे चुके हैं, जबकि हरियाणा के अंदर हर रोज हम सुनते हैं किस तरीके से युवा है वो कोर्टों में जा रहे हैं, भर्तियों के अंदर गड़बड़ियां, और ये HKRN के नाम पर खुले आम जो नौकरियां है उनको खत्म कर दिया गया, और ठेका व्यवस्था, ठेका की जो सिस्टम था उसको एक दूसरे तरीके से बड़े बड़े संस्थानों में भी लागू कर दिया गया है। और युवाओं पेपर लीक होते हैं तीसरे दिन, तो युवाओं का भविष्य जो अंधकार में डाल दिया है सरकार के अंदर। लेकिन पंजाब के अंदर हमारे पास उदाहरण है, और नए उद्योग पंजाब के अंदर लाए गए हैं जिससे 2.5 लाख प्राइवेट नौकरियां भी नहीं पैदा हुई है। तो आज युवाओं का भविष्य है वो पंजाब सरकार बना रही है, तो ये भी एक गारंटी है जो आम आदमी पार्टी की हरियाणा की टीम ने, जो अरविंद केजरीवाल जी, जो हरियाणा के लोगों को दी है। तो ये पांच गारंटियां हैं, इन्हीं पांच गारंटियों के मद्देनजर और आगे की रणनीति के साथ हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है संजय सिंह जी, वो भी फतेहाबाद के अंदर 29 तारीख को अनाज मंडी के अंदर जनसभा करने के लिए आ रहे हैं, रैली करने के लिए आ रहे हैं, और लोगों से मिलेंगे और लोगों को बताएंगे, बड़े संगठन के रूप में लोग वहां जुड़ेंगे और लोगों को बताएंगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी गारंटियों को पूरा करेगी और आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो सभी मेरे फतेहाबाद के लोगों से, आसपास के लोगों से, भट्टू इलाके के लोगों से ये अपील है कि 29 तारीख को वहां पहुंचे और आने वाले भविष्य, हरियाणा के भविष्य का निर्माण करने में अपना योगदान दें। जय हिंद।